इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी सॉन्ग के वोकल्स को बैकग्राउंड म्यूज़िक से सेपरेट किस तरह किया जा सकता है ताकि हम बैकग्राउंड म्यूज़िक को अलहदा कर दें और वोकल्स को अलहदा कर दें। तो यहाँ पर एक टेस्ट ऑडियो है हमारे पास। तो अब इस सॉन्ग के जो वोकल्स हैं इसको हम लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक से अलहदा करते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन हमारे पास टूल है एक splitter.ai। आप इस वेबसाइट पर आएं और यहाँ पर जो भी ऑडियो फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें। थोड़ा टाइम लेगा अपलोडिंग में। जब ये कंप्लीट अपलोड हो जाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको प्रोसेसिंग में। आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट होगी आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपकी जो ऑडियो है वो प्रोसेस्ड हो गई है। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर आप माय अपलोड्स में जा कर देख सकते हैं कि अभी कितनी प्रोग्रेस हुई है। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग वोकल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप बैकग्राउंड जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रम्स जो इस सॉन्ग में यूज़ हुए हैं आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पियानो की आप जो है ट्यून उसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोकल्स को डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप इसको देखें, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक इससे ख़त्म हो गया होगा। इसी तरह अगर आप वोकल्स को अलहदा करना चाहते हैं और सिर्फ आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए तो यहाँ पर एक और वेबसाइट है woocallremover.org। यहाँ पर आप अपने जो भी फाइल है उसको ब्राउज़ करें, इसको यहाँ ओपन करें और ये जो थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोडिंग में और फिर अगेन थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रोसेसिंग में। तो जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी और यहाँ से आप इसको प्ले करके देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक रह गया, इसमें से वोकल्स जो है रिमूव हो गए। और अगर आप वोकल्स को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको अनेबल करेंगे तो यहाँ से वोकल्स भी अगेन इसमें ऐड हो जाएंगे। और अगर आप म्यूज़िक को ऑफ़ करेंगे तो आपको सिर्फ वोकल्स मिल जाएंगे। तो आप इस तरह जो है वो किसी भी सॉन्ग में से बैकग्राउंड म्यूज़िक को अलहदा कर सकते हैं और वोकल्स को अलहदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कस्टम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑडेसिटी एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर लें और जो भी आपकी ऑडियो फाइल है यहाँ पर इंपोर्ट कर लें। इसको प्ले करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन का अगर हम लोग वोकल्स रिमूव करना चाहें या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे आप इफ़ेक्ट्स में आएँ और यहाँ पर डाउन में आपको यहाँ पर शो होगा वोकल्स रिडक्शन एंड आइसोलेशन। यहाँ पर हम लोग आइसोलेट वोकल्स को करते हैं, वोकल्स को सेपरेट करते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू चेक करते हैं इसका। तो इसने जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा सा लो कर दिया। यहाँ से आप सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे, देन इसको अगेन चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है वॉइस काफ़ी स्लो हो गई है और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो डिसअपीयर हो गया। जैसे ही सेटिंग्स कंप्लीट हो जाए आप इसको ओके कर दें। और जब आप ओके करेंगे तो जो हमारी वोकल्स हैं वो काफ़ी उनका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर अगेन अफेक्ट्स में जाएं और यहाँ पर एम्पलीफाई को क्लिक करें और इसको एम्पलीफाई कर दें लिटिल बिट ताकि जो वॉइस है वो हमारे पास क्लियर शो हो जाए। इसको मज़ीद एम्पलीफाई हम कर लेते हैं। अगेन अब चेक करते हैं सॉन्ग को। तो इस तरह आप जो है वो सेटिंग्स करके म्यूज़िक को वोकल से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पर फील हो रहा है तो आप ये प्रोसेस अगेन रिपीट कर सकते हैं कम्प्लीटली बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है उसको रिमूव करने के लिए और वोकल्स को सेपरेट करने के लिए।